हेलो दोस्तों, कैसे हो? मैं फैज़ान ख़ान। दोस्तों, आज मैं आपको कूलर की मोटर में बुश शाफ्ट चेंज करने का तरीका बताऊंगा, किस तरह से हमें बुश शाफ्ट चेंज करना है। देखिए दोस्तों, बहुत जाम हो रखा है, ये प्लेट इसकी निकल नहीं रही है। देखिए इसका तरीका बताऊंगा किस तरह से हमें इसे निकालनी है। ये दोस्तों, हमें इस तरीके से ग्रैंडर लेना है और ग्रैंडर से मुझे रिपीट है इसको घस लेना है। इस तरीके से सभी रिपीट को हम घसेंगे। इस तरीके से दोस्तों, हमें इस सभी रिपटों को घिसना है। देखिए मैं आपको पूरा तरीका बताऊंगा किस तरह से हमें क्या करना है। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर हमारे चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। दोस्तों सब्सक्राइब करने से क्या होता है, जो भी हम नई वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। देखिए इस तरह से हमने सभी रिपीट को घस लिया है। दोस्तों देखिए बुश इसमें हमारा फंसा हुआ है, यानी कि जाम हो रखा है, ये नहीं निकल रहा है। तो दोस्तों हमें प्लास की मदद से इसको इस तरीके से घुमाकर देखिए निकालेंगे इसको हम। बहुत ही जाम हो रखा है दोस्तों, इसलिए हमारी कूलर की मोटर घूम नहीं रही थी। देखिए इस तरीके से हमको इसको घुमाकर आराम से इसको निकालना है, चोट वोट नहीं मारनी है। इस तरीके से देखिए दोस्तों, हमने ये इसका बुश निकाल लिया है इस तरीके से। देखिए इसी तरीके से हम दूसरी जो इसकी प्लेट है उसका भी निकाल लेंगे और आपको हम बुश लगाकर दिखाएंगे किस तरह से हमें बुश लगाना है। देखिए हमने बुश लगा लिया है, और ये नंदा होता है दोस्तों, उसमें हमको लगाकर ऑयल डाल लेना है, मोबिल ऑयल। इस तरीके से देखिए हम मोबिल ऑयल डालेंगे दोस्तों। अगर इसमें हम मोबिल ऑयल डालते हैं तो हमारा बुश गिल, हमारे बुश को उसमें मोबिल ऑयल मिलता रहता है, इसलिए हमारा बुश जल्दी से ख़राब नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों उसमें मोबिल ऑयल डालना मत भूलिएगा। और दोस्तों इस तरीके से देखिए हम इसके अंदर रिपीट लगाएंगे। देखिए इस तरीके से हमने इसमें रिपीट लगा लेना है दोस्तों। अगर रिपीट नहीं होगा दोस्तों, उसमें हम स्क्रू भी कस सकते हैं, जो हमारे नॉर्मल स्विच सॉकेट में लगे होते हैं उसके स्विच सॉकेट भी। इसी तरीके देखिए, इसके बाद में हम इसके सामने वाली रिपीट लगाएंगे। इस तरीके से देखिए आमने सामने दो रिपीट लग जाएगी, इससे दोस्तों रुक जाएगा। उसके बाद में हम सभी रिपीटों को अच्छे से लगा लेंगे। देखिए इस तरीके से हमने ये सभी रिपीट को लगा लेना है। देखिए इस तरह से हमने सभी रिपीट को लगा देना है। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और आपको किस प्रकार की वीडियो चाहिए दोस्तों हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखिए इस तरह से दोस्तों हमने ये बुश हमारे अपना कंप्लीट कर लिया है। देखिए कंप्लीट हो चुका है। अब इसी तरीके से जो दूसरा बुश है हमारा, इसको भी इसी तरीके से हम आपको लगा कर दिखाएंगे। देखिए सबसे पहले हमको यहाँ पे बुश रख लेना है, उसके बाद में जो नंदा होता है दोस्तों उसको रख के इसमें मोबिल ऑयल को डाल लेना है इसी तरीके से, इस तरह से पहले हमने किया था। इस तरह से हमने इसमें ऑयल डाल लिया है, उसके बाद में दोस्तों स्प्रिंग लगाएंगे, और उसके बाद में जो उसकी बुश प्लेट है उसको लगा लेंगे इस तरीके से। देखिए इसके फिर यहाँ पे लगा कर हमको दोस्तों इसमें यहाँ इस तरीके से रिपीट को लगा लेना है। देखिए मैं आपको मैं रिपीट पे लगा कर दिखाता हूँ। देखिए इस तरह से हमें इसमें सभी रिपीट को लगाएंगे। दोस्तों सबसे पहले हमें क्या करना है, एक रिपीट लगा लेनी है, उसके बाद में दोस्तों हमको उसके सामने वाले जो सुराख में हमके उसमें रिपीट को लगाना है। दोस्तों आमने सामने रिपीट लगाने से क्या होता है कि हमारा बुश यहाँ पे रुक जाएगा, और फिर आराम से सभी रिपीट को लगा सकते हैं। इस तरीके से देखिए दोस्तों, हमें सभी रिपीट लगा लेंगे। देखिए इस तरह से हमने सभी रिपीट को लगा देना है। देखिए हमने सभी रिपीट लगभग लगा दिए हैं दोस्तों। तरीके से दोस्तों हमारा दूसरा ये भी तैयार हो चुका है। दोस्तों मैं आपको दिखाऊंगा शाफ्ट निकालने का तरीका हाइड्रोलिक से। हम शाफ्ट को लगाकर भी दिखाएंगे और आपको निकाल कर भी दिखाएंगे। देखिए इस तरीके से देखिए दोस्तों, हाइड्रोलिक में हम इसको लगाएंगे। देखिए दोस्तों इस तरीके से हम ये हमारी हाइड्रोलिक मशीन दोस्तों हमने खुद ही बनाई है। इस तरीके से देखिए हमने शाफ्ट को निकाल लेना है, बहुत ही आराम से शाफ्ट निकल जाएगी। और इसी से दोस्तों हम इसको हाइड्रोलिक की मदद से ही देखे इस तरीके से आपको लगा कर दिखाएंगे। यहाँ पे हमको बोल्ट लगा लिया है, और इसको शाफ्ट के ऊपर रखेंगे, और फिर अपने हाइड्रोलिक मशीन को चलाएंगे इस तरीके से। देखिएगा दोस्तों, हथौड़ा मारने की ज़रूरत नहीं है। देखिए बहुत ही आराम से मशीन इसको बैठा देगी। देखिए आराम आराम से बिल्कुल इसको ये इसमें हमने बैठा दिया है।
इस तरीके से देखिए दोस्तों हमारी साफ़ निकल भी चुकी थी और उसी तरीके से बहुत अच्छे से बैठ चुकी है। देखिए इस तरह से हमारी साफ़ तैयार हो चुकी है ये। अब दोस्तों इसको हम फिटिंग करेंगे इस तरीके से। देखिए सबसे पहले प्लास्टिक वाले बुश डालने हैं दोनों साइड में इस तरीके से हम लगाकर, उसके बाद में हमें दोस्तों इसमें वार्सल लगा लेनी है इस तरीके से। देखिए हमने वार्सल लगाए हैं, फिर ऑयल डालेंगे इसमें इसी तरीके से। इसमें हम बुश में डालकर घुमाकर देखेंगे कि हमारी मोटर घूम चुकी है या नहीं। ये रूटर हमारा घूम चुका है इसमें, देखिए इस तरीके से। अब दोस्तों उसके बाद में हम इसको इसके स्टड में सबसे पहले सुराखों को वायर निकालेंगे दोनों साइड से इस तरीके से। वायर निकाल कर दोस्तों हमें इसको फिटिंग करके दिखाएंगे आपको किस तरह से हमें मोटर को फिटिंग भी करनी है इस तरीके से। देखिए दोस्तों हमने इसको बैठा लिया है। अब हम इसका रूटर लगाएंगे और वायर से लगा इसको घुमा कर देखेंगे तो घूम रहा है इस तरीके से। देखिए घूम रहा है। और फिर जो इसको ऊपर वाला बुश प्लेट है दोस्तों, उसको भी इसके ऊपर लगाना है हमें। ऑयल इस तरह से लगा लिया। अब देखें हम इसकी जो ऊपर वाली बुश प्लेट है दूसरी, इसको लगाएंगे इसमें इस तरीके से। देखिए हमने इसको लगा लेना है, ये हमने इसमें लगा दिया है दोस्तों। सामने ध्यान रखना है इस तरीके से, इसको घुमा कर देख लेना है। उसके बाद में दोस्तों हमने इसके अंदर स्क्रू को कसेंगे। देखिए दोस्तों चाल है तो उसमें दोबारा से हमको वार्सल लगा देंगे, इतने की ज़रूरत हो एक या दो वार्सल की। ऐसे देख कर दोस्तों हमें में देख लेना है कि ज़्यादा आगे पीछे की चाल तो नहीं है। तो इस तरीके से ये हमारा फिट करके दिखाएंगे दोस्तों। देखिए ये तरीके से हमने मोटर फिटिंग कर लिया है इसमें तरह से। देखिए दोस्तों हमने फिटिंग कर लेनी है इस तरीके से, हमने इसको फिट कर लेना है।